हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मार्केट काफ़ी हायर लेवल पर चल रहा है और ऐसे समय में स्टॉक ढूंढ करके निकालना अपने आप में काफ़ी चैलेंज भरा होता है। मार्केट के इन ऊंचाइयों पर आपको लंगड़े लूल्हे गधे सारे स्टॉक आपको लाइफ हाई पर चलते हुए देखने को मिलेंगे। इसमें ध्यान जो होता है इन्वेस्टर का वो भटक जाता है और वो अच्छे स्टॉक को छोड़ करके, क्वालिटी वाले स्टॉक को छोड़ करके वो सस्ते स्टॉक के पीछे जाने लगते हैं, क्योंकि जो अच्छे स्टॉक होते हैं वो काफ़ी महंगे देखने को मिलने लगते हैं। और जो छोटे छोटे स्टॉक होते हैं, रेणुका सुगर और भी बाकी बहुत सारे जिनका मैं नाम भी नहीं गिनाना चाहता हूँ, वो अपने लाइफ हाई पर चलते रहते हैं। और ऐसी ही परिस्थिति में दोस्तों, हम लोगों को, हम रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर को ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत होती है। और कमज़ोर फंडामेंटल वाले स्टॉक में अगर आप हैं भी, गलती से हैं भी, तो इसी समय आपको एग्जिट कर जाना चाहिए वैसे कमज़ोर फंडामेंटल वाले स्टॉक से। और जो मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक होते हैं उसमें हम लोगों को एंट्री ले लेनी चाहिए, क्योंकि जब भी मार्केट में गिरावट होगी तो सबसे ज़्यादा जो टूटने वाले शेयर होंगे दोस्तों, वो कमज़ोर फंडामेंटल वाले स्टॉक होंगे। अब मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक भी टूटेंगे, लेकिन वो कम टूटेंगे और जब रिकवरी आएगी तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम लोग स्टॉक पर चर्चा करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट है। और जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, ये 3152 रुपये पर, 3152 रुपीस पर बंद होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर इसके रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो ये देखिए, पिछले एक महीना में तकरीबन 3%, पिछले छः महीना में तकरीबन 45%, ईयर टू डेट यानी कि जनवरी से अभी तक 56%, पिछले एक साल में तकरीबन 90% और 5 साल में ये 89% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। तो रिटर्न तो दोस्तों काफ़ी शानदार है। ऐसे तो मार्केट के जो हालात हैं दोस्तों, उसमें बहुत सारे स्टॉक डबल हो गए, कोई ट्रिपल हो गए, कोई 4 गुना भी हो गए, कोई 5 गुना भी हो गए, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। अगर हम लोग गैलेक्सी सर्फेक्टेंट के रिटर्न को भी बोले 89% का रिटर्न पिछले 5 साल में, तो ये कोई ख़राब नहीं है। और जैसा कि इसके चार्ट से दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, लगातार इसमें ऊपर की ओर मूवमेंट देखने को मिलता है। इसमें बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं आती है, बहुत बड़ी उछाल भी देखने को नहीं मिलती है। तो इसके ग्राफ से और रिटर्न से दोस्तों ये पता चल रहा है कि स्लो मूविंग है, लेकिन कंसिस्टेंट ये मूव करता रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन में और लंबे समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को ये दे सकता है। तो अब हम लोग सीधे आते हैं दोस्तों इसके चार्ट पर, टेक्निकल चार्ट पर, जैसा कि हमने यहाँ पर लगा रखा है स्क्रीन पर, और ये वीकली चार्ट देखने को मिल रहा है। तो इसके ओवरऑल ट्रेंड को अगर हम लोग देखें दोस्तों, समझने की कोशिश करें, तो ये लगातार हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बना करके चलता था। लेकिन लास्ट ईयर लॉकडाउन में इसमें भयंकर बिकवाली हुई और ये काफ़ी लोअर लेवल पर चल गया, तकरीबन 1000 के लेवल पर। अब उसके बाद इसने जो बाउंस बैक दिया दोस्तों, वो लगातार हायर हाई, हायर लो बनाता हुआ ये स्टॉक चल रहा है। और अभी देखिए, ये लगभग लगभग लाइफ हाई के आसपास ये चलता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये जो पैटर्न बन रहा है दोस्तों, ये यहाँ पर लास्ट एरिया में, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न होता है। मैंने अपने कई वीडियो में इस प्रकार के पैटर्न की चर्चा की है। जिस भी स्टॉक में जिसके फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत रहते हैं, उसमें अगर ये पैटर्न बनता है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न होता है। और ऐसे पैटर्न बनाने के बाद ये मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो क्या गैलेक्सी सर्फेक्टेंट में भी ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है? तो इसको समझने के लिए दोस्तों, इसके फंडामेंटल्स को चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग इसके जो ब्रेकआउट की बात कर पाएंगे और टारगेट्स की भी बात कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो
तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस प्रकार के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आप व्यूअर्स के साथ शेयर करता रहता हूँ। और गैलेक्सी सर्फैक्टेंट के लेटेस्ट न्यूज जो होते हैं, चाहे किसी और भी स्टॉक के जो लेटेस्ट न्यूज होते हैं, उस पर भी चर्चाएं होती रहती हैं। तो अब दोस्तों, आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं उसको चेक करते हैं कि वो कैसे हैं। गैलेक्सी सर्फैक्टेंट का मार्केट कैप तकरीबन 11,000 करोड़ देखने को मिल रहा है। ये मिड साइज की कंपनी है। वहीं इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव 25.5% देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.5। तो दोनों ही जो पैरामीटर हैं दोस्तों, या ROCE की बात करें या ROE की, ये काफ़ी अट्रैक्टिव और स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं। डेट इक्विटी की बात करें तो ये 0.20 काफ़ी बेहतरीन है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 71% होल्डिंग प्रमोटर्स अपनी कंपनी में रखते हैं। तो इनके कॉन्फिडेंस लेवल को बता रहा है कि कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने कंपनी को लेकर के कि ये 71% की होल्डिंग बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट कवरेज की, जो कि 29 times देखने को मिल रहा है, जो कि बेहतरीन है। जिस भी कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वो कंपनी बेहतरीन फंडामेंटल वाली होती है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि ये अपने इंटरेस्ट बर्डन को बियर करने में पूरी तरह से सक्षम होती है। डिविडेंड यील्ड की भी बात की जाए तो ये भी तकरीबन 0.5% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग बोले दोस्तों, तो गैलेक्सी सर्फैक्टेंट के जो फिनेंशियल पैरामीटर ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने अभी चार्ट में देखा था कि एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, तो इसके फिनेंशियल पैरामीटर भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग हैं। अब बात करते हैं कि ये पास्ट में ये कंपनी किस प्रकार का रिजल्ट एनुअली लेकर के आई है और क्वार्टरली, उसके बाद ही फिर हम लोग कुछ इस पर अपना मंतव्य बना पाएंगे। तो इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए लास्ट 5 years में, तो ये 9% CAGR के रेट से बढ़ते हुए हम लोग देख रहे हैं। वहीं पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 years में 24% CAGR के रेट से हम लोग बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और स्टॉक प्राइस इसका लास्ट 3 years में 36% CAGR के रेट से हम लोग बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये स्लो मूविंग है, लेकिन कंपनी बहुत अच्छी तरह से अपने बिजनेस को रन कर रही है और लॉन्ग टर्म में इनके जो प्रॉफिट ग्रोथ हैं, सेल्स ग्रोथ हैं, वो काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। अब आती है बात दोस्तों कि क्वार्टरली रिजल्ट, कि इसके लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट कैसे देखने को मिले हैं। तो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट को अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये 784 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट की थी, जो कि लास्ट मार्च क्वार्टर में 657 करोड़ देखने को मिला था। तो इनके ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट में, मार्च क्वार्टर में इनका ग्रोथ देखने को मिला था। वहीं पर अगर सेम पीरियड में इनके नेट प्रॉफिट की बात की जाए, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट मार्च क्वार्टर में इनका 63 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था, जो कि इस बार बढ़ करके 79 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें, तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी इनके सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ हल्का सा डीग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन काफ़ी नॉमिनल डिग्रोथ है। इतने छोटे मोटे नेट प्रॉफिट में डिग्रोथ देखने को मिलते रहेंगे। यहाँ पर कारण अगर ढूंढें तो ये देखिए, ये पहले 18% इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, वो घट करके 15% होता हुआ देखने को मिला, जिसकी वजह से इनके सेल्स में ग्रोथ होने के बावजूद इनके नेट प्रॉफिट में हम लोगों को डिग्रोथ देखने को मिल रहा है। दोस्तों, हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि ये केमिकल कंपनी है और इनके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो क्रूड ऑयल से रिलेटेड होते हैं। क्रूड ऑयल के उतार चढ़ाव के साथ ही इसके
जो नेट प्रॉफिट में और मार्जिन में हम लोगों को उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ये इस स्टॉक के लिए कॉमन बात है। तो दोस्तों, अगर कुल मिलाकर के बोले कि जब सेल्स ग्रो कर रहे हैं इस कंपनी के, तो ये काफ़ी अच्छा है। बीच बीच में आपको मार्जिन में उतार चढ़ाव के चलते नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल ये कंपनी बहुत ही अच्छा सेट ऑफ नंबर्स हम इन्वेस्टरों के सामने लेकर के आ रही है, और कंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है इनके सेल्स ग्रोथ में और नेट प्रॉफिट ग्रोथ में। हम लोग बोल सकते हैं कि ये ओवरऑल ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि जो बड़े निवेशक हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एफआईज ने जून क्वार्टर में अपना स्टैक हल्का सा रिड्यूस किया है, फिर भी पहले भी इनका स्टैक बहुत ज़्यादा नहीं था, तकरीबन 3.5% के आसपास था, जो कि घटा करके इन्होंने 3% किया है, यानी कि ये हल्का सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग किए हैं। वहीं पर अगर डीआईज की बात करें तो डीआईज की होल्डिंग इसमें काफ़ी तगड़ी 13% के आसपास देखने को मिल रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो बड़े निवेशक हैं उस स्टॉक को लेकर के काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, तो ये अच्छी बात है। और इसके फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं, तो इन बड़े निवेशक भी इसलिए कॉन्फिडेंट हैं। तो हम लोग दोस्तों सीधे आते हैं चार्ट पर, टेक्निकल चार्ट पर, कि जब इसके चार्ट पैटर्न स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं, इनके जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हैं, बड़े निवेशक इसमें काफ़ी बुलिश हैं, तो ये स्टॉक अवश्य ही आने वाले दिनों में भी जिस प्रकार से इसने पास्ट में रिटर्न दिया है, उसी प्रकार से इस स्टॉक में हम लोग रैली होता हुआ देखेंगे आने वाले समय में। तो अब ये दोस्तों कहाँ तक जा सकता है? तो आने वाले समय में अगर हम लोग टारगेट की बात करें दोस्तों, तो हम लोगों ने जो टेक्निकल लेवल्स लगा करके रखे हैं वीकली चार्ट पर, और ये जो चार्ट है दोस्तों, हम लोगों ने जब ये शेयर इस स्तर पर था, तकरीबन 2300 के स्तर पर, उसी समय ड्रॉ किया था, और उस समय हम लोगों ने जो रेसिस्टेंस की बात की थी तकरीबन 3074 के आसपास, और अभी ये स्टॉक देखिए दोस्तों उसी लेवल के आसपास जा करके ये कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि ये जो लेवल है दोस्तों ये काफ़ी स्ट्रांग लेवल है और स्ट्रांग रेसिस्टेंस भी है। तो हम लोग ये मान कर चलेंगे कि इस लेवल पर जा कर के ये स्टॉक मजबूती बना रहा है, इसको बेस बना चुका है इस लेवल को। अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के लिए दोस्तों जो इमीडिएट टारगेट निकल करके आ रहा है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट में, वो 4285 का लेवल देखने को मिल रहा है। इन दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये लेवल काफ़ी हाई है और बहुत जल्दी इसमें देखने को नहीं मिलेगा, इस बीच में इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगी, और इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे Q1 Q2 Q3 उनके नंबर काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए, जैसा कि अभी तक इसने रिपोर्ट किया है, काफ़ी हेल्दी नंबर रिपोर्ट करते आई है कंपनी। तो इस बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि इसके आने वाले क्वार्टर के भी रिजल्ट अच्छे रहेंगे और ये स्टॉक इन स्तरों तक जा सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपकी भी राय गैलेक्सी सर्फेक्टेंट के ऊपर कुछ होगी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर कमेंट करके मेरे साथ शेयर करेंगे, और दोस्तों आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।